अपने फर्ज से जरा सी भी चूकी नहीं थी, अपने फर्ज से जरा सी भी चूकी नहीं थी और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई थी। अपने फर्ज से जरा सी भी चूकी नहीं थी और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई थी। लोग दरिंदगी दिखाने से पहले अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये वही हिंदुस्तान है जहां रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रिया, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर्स है ना, तो मैंने उसको मर्ज करके कुछ लिखा है। यहाँ साड़ी भी मिलेगी, क्रॉप टॉप भी मिलेगा। यहाँ धोती भी मिलेगी, कुर्ता भी मिलेगा। यहाँ साड़ी भी मिलेगी, क्रॉप टॉप भी मिलेगा। यहाँ धोती भी मिलेगी, यहाँ कुर्ता भी मिलेगा। यहाँ ढोकला भी मिलेगा, लिट्टी चोखा भी मिलेगा। यहाँ ढोकला भी मिलेगा, लिट्टी चोखा भी मिलेगा। यहाँ लस्सी भी मिलेगी और डोसा भी मिलेगा। प्रिया, यहाँ ईद भी मनेगी और दिवाली भी मनेगी। यहाँ ईद भी मनेगी और दिवाली भी मनेगी। यहाँ छठ पूजा भी मनेगी और गंगौर भी मनेगा। ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। शुक्रिया। ये कुछ लोग बोलते हैं ना, आईएएस वाईएएस बनो, देश की सेवा करो, क्या इन फालतू चक्करों में पड़ जाते हो। तो उन लोगों के लिए, मुझे जो बनना है मैं वही बनूंगी, कोई जोर जबरदस्ती मजबूरी है क्या? मुझे जो बनना है मैं वही बनूंगी, कोई जोर जबरदस्ती मजबूरी है क्या? और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये देश की सेवा करने के लिए सिविल और डिफेंस में जाना जरूरी है क्या? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये देश की सेवा करने के लिए सिविल और डिफेंस में जाना जरूरी है क्या? मैंने अक्सर सेलिब्रिटीज को वो करते देखा है जो नेता लोग अक्सर नहीं कर पाते। मैंने अक्सर सेलिब्रिटीज को वो करते देखा है जो नेता लोग नहीं कर पाते हैं। सिंगर एक्टर लोगों की जान बचा रहे हैं और ये लोग बस चुनाव ही लड़ते रह जाते हैं। मैंने अक्सर सेलिब्रिटीज को वो करते देखा है जो नेता लोग नहीं कर पाते हैं। सिंगर एक्टर लोगों की जान बचा रहे हैं और ये लोग बस चुनाव ही लड़ते रह जाते हैं। अब जरा मुझे कोई ये बताए कि हॉस्पिटल में लोगों को मरता छोड़कर, हॉस्पिटल में लोगों को मरता छोड़कर रैलियां निकालना कोई मजबूरी है क्या? ये हॉस्पिटल में लोगों को मरता छोड़कर रैलियां निकालना कोई मजबूरी है क्या? और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि देश की सेवा करने के लिए सिविल और डिफेंस में जाना जरूरी है क्या? शुक्रिया। अब ये एक छोटी सी पोएट्री है जो मैंने लिखी है। मैंने अभी बताया भी था कि देश की असली सेवा क्या है मेरे हिसाब से, तो उसके लिए, सबका चेहरा चमकता रहे कहीं भी कोई उदास ना होए, सबका चेहरा चमकता रहे कहीं भी कोई उदास ना होए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस देश का एक भी बच्चा सड़क पे भूखा ना सोए। ख्वाहिशें पूरी ना होने पर अगर कोई रोए तो बेशक रोए, ख्वाहिशें पूरी ना होने पर अगर कोई रोए तो बेशक रोए, पर जरूरतें पूरी ना होने पर कभी कोई ना रोए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस देश का एक भी बच्चा सड़क पे भूखा ना सोए। कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई पूछे उनसे घर का पता तो दिल्ली मुंबई की सड़कें ना बताना पड़े, कि कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई पूछे उनसे घर का पता तो दिल्ली मुंबई की सड़कें ना बताना पड़े, और कोई भी कभी भी किसी अपने को पैसों की तंगी की वजह से ना खोए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस देश का एक भी बच्चा सड़क पे भूखा ना सोए। ये आखिरी, जब कोई बच्चा चॉकलेट मांगे तो उसे ये ना कहा जाए कि बेटा वो गंदी चीजें बच्चे नहीं खाते, जब कोई बच्चा चॉकलेट मांगे तो उसे ये ना कहा जाए कि बेटा वो गंदी चीजें बच्चे नहीं खाते, जब एक बुजुर्ग से पूछा जाए कि आप चश्मा क्यों नहीं बनवा रहे तो उन्हें ये ना कहना पड़े कि मेरे बच्चे नहीं बनवाते। जहां जहां सपने देखने की कोई उम्र ना हो, जहां सपने देखने की कोई उम्र ना हो, हर उम्र में लोग सपने संजोए, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस देश का एक भी बच्चा कभी सड़क पे भूखा ना सोए। शुक्रिया।